बर्फबारी न होने से चिंतित बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। बर्फ न गिरने के बावजूद सेब की अच्छी फसल के लिए जरूरी चिलिंग आवर पूरे हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 7 डिग्री से कम तापमान और ठंडी हवाएं भी जरूरी चिलिंग आवर के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि गेहूं की फसल, सब्जियों, खेतों में नमी, पेयजल योजनाओं और सिंचाई के लिए बारिश और बर्फबारी की बहुत जरूरत है। सूबे के प्रगतिशील बागवानों की ओर से बगीचों में लगाए गए वेदर स्टेशन के आंकड़े भी चिलिंग आवर पूरे होने की पुष्टि कर रहे हैं। अच्छी फसल के लिए वैरायटी के अनुसार पौधे की प्रसुप्त अवस्था में 700 से 1400 घंटे 7 डिग्री से कम तापमान रहना जरूरी है। बर्फ गिरने पर पौधों की यह जरूरत कम समय में पूरी हो जाती है, लेकिन बिना बर्फ गिरे भी तापमान 7 डिग्री से कम चल रहा हो तो भी चिलिंग आवर पूरे हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का बगीचा रोहड़ू के अनुवासा में 5100 फीट की ऊंचाई पर है। विशिष्ट का कहना है कि बगीचे में लगे वेदर स्टेशन के मुताबिक 70% चिलिंग आवर पूरे हो चुके हैं। फ्लावरिंग के समय मौसम अनुकूल रहा तो उनका दावा है कि बेहतरीन फसल लगेगी। ठियो के बनहार निवासी युवा बागवान विशाल वेक्टर का कहना है कि वेदर स्टेशन के अनुसार उनके बगीचे में 810 चिलिंग आवर पूरे हो चुके हैं। गाला किस्म के लिए 700 घंटे की ही जरूरत होती है। अन्य किस्मों के लिए भी बिना बर्फ के 1200 घंटे चिलिंग आवर पूरे होने की उम्मीद है। मड़ाओक तकलीज के प्रगतिशील बागवान कुलदीप प्राक्टा का कहना है कि फरवरी मार्च में भी अगर बर्फ गिरती तो भी पर्याप्त है। इन दिनों रात का तापमान चिलिंग आवर के मुताबिक ही चल रहा है। हालांकि जमीन में नमी बनी रहे इसके लिए बारिश और बर्फबारी की जरूरत है। बर्फ न गिरने पर भी हिमालयन रेंज के सामने ठंडी हवाएं सेब की अच्छी पैदावार के लिए काफी हैं। बर्फ गिरने से दिन और रात का तापमान सामान रहने पर चिलिंग आवर जल्दी पूरे हो जाते हैं। आने वाले दिनों में अगर बर्फ पड़ती है या अच्छी बारिश भी हो जाती है वह भी चिलिंग और नमी के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहना डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर का है, जो पूर्व में VC बागवानी विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। बर्फबारी न होने से चिंतित बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। बर्फ न गिरने के बावजूद सेब की अच्छी फसल के लिए जरूरी चिलिंग आवर पूरे हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 7 डिग्री से कम तापमान और ठंडी हवाएं भी जरूरी चिलिंग आवर के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि गेहूं की फसल, सब्जियों, खेतों में नमी, पेयजल योजनाओं और सिंचाई के लिए बारिश और बर्फबारी की बहुत जरूरत है। सूबे के प्रगतिशील बागवानों की ओर से बगीचों में लगाए गए वेदर स्टेशन के आंकड़े भी चिलिंग आवर पूरे होने की पुष्टि कर रहे हैं। अच्छी फसल के लिए वैरायटी के अनुसार पौधे की प्रसुप्त अवस्था में 700 से 1400 घंटे 7 डिग्री से कम तापमान रहना जरूरी है। बर्फ गिरने पर पौधों की यह जरूरत कम समय में पूरी हो जाती है, लेकिन बिना बर्फ गिरे भी तापमान 7 डिग्री से कम चल रहा हो तो भी चिलिंग आवर पूरे हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का बगीचा रोहड़ू के अनुवासा में 5100 फीट की ऊंचाई पर है। विशिष्ट का कहना है कि बगीचे में लगे वेदर स्टेशन के मुताबिक 70% चिलिंग आवर पूरे हो चुके हैं। फ्लावरिंग के समय मौसम अनुकूल रहा तो उनका दावा है कि बेहतरीन फसल लगेगी। ठियो के बनहार निवासी युवा बागवान विशाल वेक्टर का कहना है कि वेदर स्टेशन के अनुसार उनके बगीचे में 810 चिलिंग आवर पूरे हो चुके हैं। गाला किस्म के लिए 700 घंटे की ही जरूरत होती है। अन्य किस्मों के लिए भी बिना बर्फ के 1200 घंटे चिलिंग आवर पूरे होने की उम्मीद है। मड़ाओक तकलीज के प्रगतिशील बागवान कुलदीप प्राक्टा का कहना है कि फरवरी मार्च में भी अगर बर्फ गिरती तो भी पर्याप्त है। इन दिनों रात का तापमान चिलिंग आवर के मुताबिक ही चल रहा है। हालांकि जमीन में नमी बनी रहे इसके लिए बारिश और बर्फबारी की जरूरत है। बर्फ न गिरने पर भी हिमालयन रेंज के सामने ठंडी हवाएं सेब की अच्छी पैदावार के लिए काफी हैं। बर्फ गिरने से दिन और रात का तापमान सामान रहने पर चिलिंग आवर जल्दी पूरे हो जाते हैं। आने वाले दिनों में अगर बर्फ पड़ती है या अच्छी बारिश भी हो जाती है वह भी चिलिंग और नमी के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहना डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर का है, जो पूर्व में VC बागवानी विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।